सुधबोज किचन में आपका स्वागत है। मैंने छोले पहले से भूंगो के रखे थे इस तरीके से। अब मैं कुकर लूंगी, इसमें छोले डाल के बॉईल करने रखूंगी। तेज पत्ता, बड़ी इलायची डालना है और दालचीनी का छोटा टुकड़ा भी डालना है। इस तरीके से बॉईल हो चुके हैं अपने छोले इस तरीके से। अब मैं कढ़ाई लूंगी एक बड़ा चम्मच, उसमें ऑयल डालेंगे। तेज पत्ता और हींग डालना है और जीरा डालना है। अब मैं हरी मिर्ची डालूंगी। अब टमाटर की प्यूरी भी डालेंगे। अब अच्छे से भूनेंगे इसको, बिना लहसुन बिना प्याज की है। आप लहसुन प्याज खाते हो तो आप लहसुन प्याज भी डाल सकते हो, पर बट मैं खाती नहीं हूँ। बड़ा चम्मच मिर्ची पाउडर डालूंगी और धनिया पाउडर डालूंगी एक बड़ी चम्मच। मैं अच्छे से इनको भूनेंगे। अब मैं छोले डालूंगी। अब मैं इनको अच्छे से चलाएंगे। अब मैं पानी डालना है, जितना आपको डालना हो उतना आप डाल सकते हो, अपने अनुसार ही पानी डालना है। अब मैं 20 मिनट के लिए इसको पकने रख दूंगी, थोड़े स्लिम गैस पे ही रखना है। अब मैं स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। गरम मसाला डालेंगे। अच्छे से चलाएंगे। अब मैं छोले मसाला डालूंगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे इसको भी चलाएंगे। इस तरीके से अपनी छोले की सब्जी बनके रेडी है। छोले की रेसिपी बनके टेस्टी टेस्ट।